बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ फिजिकल सेंटर देख रहे हैं। तो जिन आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी GS150 बाइक है। इस बाइक के जो है डिस्क पैड से रिलेटेड आज आपको मैं बताऊंगा कि इसके डिस्क पैड किस तरीके से चेंज अप कर सकते हैं या इसके डिस्क पैड आप साफ कर सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी कि इसके ये ब्रेक ऑयल जब खत्म हो जाता है या इसके ब्रेक ऑयल पे कैसे पता चलता है ये ब्रेक ऑयल हमने इसमें दोबारा कब डाला है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस बाइक का ब्रेक ऑयल जो है वो लो लेवल पर शो हो रहा है। तो आपको मैं आज ये बताऊंगा कि इसकी डिस्क कैसे वर्क करती है और इसका ब्रेक ऑयल का लेवल किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं ये चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी बाइक की अगली ब्रेक में से भी आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को भी आज मैं आपको ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके डिस्क यूनिट को इस प्लेट से अलग करने के लिए 12 नंबर की टी की मदद से हम जो है इसके यूनिट को खोलेंगे। इसका जो बेहतरीन ये 2 बोल्ट ये लगे होते हैं और 1 बोल्ट इसका इस जगह पर होता है। ये 3 बोल्ट हम इसके खोलेंगे 12 नंबर की टी की मदद से। ये रबड़ जो है आपने लाजमी उतारना है। बाज़ दफ़ा ये रबड़ जो है मिस हो जाता है, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। नॉर्मली जो है इन बाइकों में मसला ये होता है कि इसकी डिस्क में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और हमें ये कैसे पता चलता है जी कि इसके ये डिस्क पैड जो चेंज होने वाले हो गए हैं वो किस तरीके से पता चलता है कि इसकी ये पैड के साथ जो है पैड इसके ये प्लेट के साथ जो है डिस्क पैड इसके लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब हमारा यूनिट जो है वो खुल चुका हुआ है। इसके डिस्क पैड की अब मैं आपको पोजिशन दिखाता हूँ। यूनिट के नीचे वाला पेज जो हमने खोला हुआ था ये इसके डिस्क पैड बाहर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो ये कोशिश करनी है कि ये पतरी इस पैड के नीचे होती है, इस पतरी का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसमें टोटल जो है जी ये 3 पतरी होती है, 1 पतरी इस पैड के पीछे होती है और 1 ही इस जगह पर होती है और 1 ये पतरी है। बाद दफा ये होता है कि ये जब हम बाहर मैकेनिक से इसके डिस्क पैड चेंज करवाते हैं या साफ करवाते हैं तो ये पतरी हमारी मिस हो जाती है, ये लंबे वाली पतरी गिर जाती है जिसकी वजह से इसकी ब्रेक में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जब भी आप ब्रेक टिपो में जाते हैं तो ये ब्रेक आवाज़ करना शुरू कर देती है कि इसकी हल्की सी आगे से पैड हिलने की आवाज़ आती है। तो ये डिस्क पैड इसके इस वक्त बेहतरीन हालत में है। इन पैडों को हम रेगमाल की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये रेगमाल आप किसी भी किस्म का ले लें, इसकी मदद से आपने इसके डिस्क पैड साफ़ करने हैं। हाँ, इसके डिस्क पैड आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और ये प्लेट जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस बाइक की बिल्कुल ओके है। इसकी अगर आपकी बाइक की प्लेट बिल्कुल ठीक होगी तो आपके पैड जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि अपनी प्लेट को ख़राब होने से पहले ही इसके डिस्क पैड चेंज कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैड जो है हमने रेगमा की मदद से साफ़ कर दिए हुए हैं, इनकी मोटाई भी ठीक है। तो इन डिस्क पैडों को हम दोबारा लगाएँगे। जब अपने दोस्तों के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करता चलूँ, जब भी हम इसमें डिस्क पैड नए डालते हैं आप देख सकते हैं इसका ये पिस्टन है जी डिस्क यूनिट का, ये पिस्टन इसका काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाए या आपके जब डिस्क पैड ख़त्म हो जाए तो ये पिस्टन बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है। उसकी वजह से आपका जो ब्रेक ऑयल होता है वो इसके पिस्टन के कैलिपर में आ जाता है, इस जगह पर ये ब्रेक ऑयल सारा इकट्ठा हो जाता है। तो सुजुकी GS150 के डिस्क यूनिट का हमें ब्रेक ऑयल पूरा नहीं करना पड़ता, हमें बस इसके जब भी हम इसमें नए पैड इंस्टॉल करेंगे इसका ये यूनिट जो है वो पीछे चला जाएगा जिसकी मदद से हम इसमें नए पैड डाल सकते हैं। यूनिट पीछे करने का भी आपको मैं तरीकाकार बताता हूँ। 2 इसमें तरीकाकार होते हैं। पहला तरीकाकार होता है जी कि आप ये वॉल पुलर के साथ इसके यूनिट को पीछे कर सकते हैं। अगर आपके पास वॉल पुलर नहीं है दूसरे तरीके में आप इस को जो है पेचकस की मदद से भी पीछे कर सकते हैं इसके पिस्टन को। आज मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इसके ये यूनिट को पीछे कर सकते हैं। पैड आप इस जगह पर इसके लगा लें और एक पेचकस की मदद से आप इसके पिस्टन को पीछे कर सकते हैं। ये देखें इसका पिस्टन आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ये इसका पिस्टन जो है इस तरीके से भी बहुत ही ईजीली तरीके से पीछे चला जाता है। अच्छा, ये जो इसका दूसरा तरीकाकार है, इस तरीकाकार से पिस्टन इसका हमेशा पीछे करना पड़ता है जब इस बाइक के डिस्क पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों
बिल्कुल लोहे के साथ लोहा लग रहा हो, तो इसका पिस्टन अगर फंसा हो तो उस सूरत में हम इसके पिस्टन को पीछे करते हैं कि ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये पिस्टन जो है इसका बिल्कुल पीछे जा रहा है। तो ये दो तरीकाकार से इसके पिस्टन को पीछे कर सकते हैं। ये भी अभी इसके लेवल को चेक कर सकते हैं। पहले इसका लेवल जो है वो लो लेवल पर रहता, इसका पिस्टन मैंने पीछे किया तो लेवल इसका हाई लेवल पर चला गया है, बिल्कुल अप लेवल पे इसका ये ब्रेक ऑयल का लेवल है। तो इसका ब्रेक ऑयल जो है इस तरीके से भी पूरा किया जा सकता है। तो फिटिंग जो है इसकी नहायत ही आसान है, थोड़ा सा जो है हमें बस ख्याल रखना पड़ता है। इसकी ये तीन पत्नियाँ होती हैं, इन पत्नियों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसमें से कोशिश करेंगे कोई एक पत्री भी मिस ना हो। सबसे पहले जो है ये इसकी पत्री इस पैड के पीछे आएगी, इस जगह पर आएगी जी ये पत्री इसके, और ये वाली पत्री जो है इसके इस जगह पर आएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ये पत्री को लगा सकते हैं। उसके बाद ये हम इसका छोटे वाला डिस्क पैड लगाएंगे, ये पत्री इसके नीचे आएगी, इस पैड के नीचे ये पत्री आएगी। तो इसका हमें ख्याल रखना है ये पत्री ये गिरे ना। बाज़ दफ़ा जो है गलती इसी जगह पर होती है कि ये पत्री इसकी मिस हो जाती है, इसकी वजह से इसकी ब्रेक लगती नहीं है। कि चूड़ी को मैंने मिला लिया है और इसके बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए जो है हम इसके ऊपर से डिस्क दबाएंगे, नहीं तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि इसको एहतियात से जो है हम इसकी प्लेट के ऊपर फिट कर दें और इसके ऊपर से हम फिर ब्रेक बनाएंगे। ये इसका यूनिट हमने अब लगा दिया है, अब इसकी हम हल्की सी ब्रेक को चेक करेंगे। ये अब हमारा यूनिट जो है वो लग चुका है, अब हम इसकी ब्रेक को चेक करेंगे। इसकी ब्रेक ऊपर से अब हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसके डिस्क पैड जो है वो सही तरीके से बैठे हैं कि नहीं। बाज़ दफ़ा जो होता है इसके डिस्क पैड जो हैं इस जगह से सही नहीं बैठते, उसकी वजह से इसकी ब्रेक सही तरीके से नहीं बनती। और ये इसकी ब्रेक अब देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है, इसके डिस्क पैड की जो है पोजिशन बिल्कुल ठीक फिटिंग हुई है। तो कोशिश करें कि आप भी इस तरीके से इसके डिस्क पैड को फिट करें, ये बोल्टों को अच्छे तरीके से चेक कर लें। अगर इनके ये बोल्ट लूज होंगे तो उस सूरत में भी आपकी बाइक की ब्रेक काम नहीं करेगी। इसके इस रबड़ को लाजमी लगाएं, इसकी फिटिंग को कोशिश करें कि ओरिजिनल तरीके से ही करें। अच्छा, बाज़ गाड़ियों में ये होता है कि जिनके डिस्क जो है वो काफ़ी देर बाद इस्तेमाल करते हैं उसका ये नुकसान होता है कि ब्रेक बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस जगह से हमें इसकी एयर को निकालना पड़ता है। वो भी मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बताया है, जो डिस्क पैड रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है इसके आप ब्रेक को कैसे बना सकते हैं। इसकी इस ब्रेक जैसे हम बाइक के नए डिस्क पैड डालते हैं तो इसकी इस लाइन में जो है वो एयर आ जाती है, एयर को आप रिलीज करेंगे तो आपकी ब्रेक बनेगी। एयर रिलीज करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है जी, आपके पास 8 नंबर की चाबी हो और इसको आप हल्का सा यहाँ से लूज करें और इसके हमने ब्रेक लीवर को ऊपर से दबा के रखना है। कोशिश ये करनी है कि इसका ब्रेक लीवर को हमने छोड़ना नहीं है, ये ब्रेक लीवर को मैंने दबा के ही रखा है और इसको मैंने ये टाइट कर दिया है। ब्रेक लीवर को दबाने का एक ये फायदा होता है कि इसकी ब्रेक जो है वो बनाने में आसानी होती है, इसके बीच में जो एयर होती है वो इसी सूरत में ही निकलती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बाइक का जो डिस्क यूनिट है वो बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में मैंने आपको उसकी डिस्क से रिलेटेड चंद अहम बातें बताई हैं कि आप अपनी बाइक की डिस्क ब्रेक को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मान